मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, जिसमें पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट हमने बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट इसके तीन भाग होते हैं, फर्स्ट वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड होता है कंप्लीमेंट। वर्ब यह सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया या दोनों साथ साथ हो सकते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट ये दो प्रकार के होते हैं, पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें वस्तुओं का बोध होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सजीव का बोध होता है। नोट, हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है? तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम वाक्य में क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा है, क्या वाक्य में किसे या किसको से प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर। ही यहाँ सब्जेक्ट है और इज हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग मेन वर्ब है, यानी इसमें सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों है। और ए लेटर यहाँ ये ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि इसमें हम प्रश्न करें कि ही इज राइटिंग ए लेटर, उसने क्या लिखा, तो हमारा उत्तर मिलता है ए लेटर, एक पत्र लिखा, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू गेव मी ए बुक, आपने मुझे एक किताब दिया। इसमें यदि हम प्रश्न कर लें वैसे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यहाँ यू सब्जेक्ट होता है और गेव वर्ब है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें प्रश्न करते हैं, आपने मुझे क्या दिया, तो हम क्या से प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है एक किताब, तो ये बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर प्रश्न करते हैं, आपने किताब किसे दिया, तो आपने किताब मुझे दिया, तो ये मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। फिर देखते हैं हम कंप्लीमेंट किसको कहते हैं। कंप्लीमेंट यह वाक्य का पूरक होता है, अर्थात जो शब्द वाक्य को पूरा करता है उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट कहते हैं। और यह निम्न प्रकार का होता है, नाउन कंप्लीमेंट, एडजेक्टिव कंप्लीमेंट, जेरंड कंप्लीमेंट और एडवर्ब कंप्लीमेंट, एटीसी एक्सेट्रा, जो भी लास्ट में आता है उसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। एज एग्जांपल, ही इज ए टीचर, इसमें देखेंगे ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ए टीचर ये नाउन है, इसलिए नाउन कंप्लीमेंट। सी इज वाइज, यहाँ वाइज जो है एडजेक्टिव है, इसलिए एडजेक्टिव कंप्लीमेंट। आई लाइक रीडिंग, और यहाँ लास्ट में रीडिंग है और ये है आपका जेरंड कंप्लीमेंट।